हसीनाओं के दिल की धड़कन ताहा शाह। मैं ये हैंडसम हंक म्यूजिक के बड़े दीवाने हैं, डांस पर मारते हैं चांस, यानी कि बंदा एक और टैलेंट अनेक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताहा शाह की, जिन्होंने फिल्म्स और वेब सीरीज में काम कर दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया है। और हाल ही में वो नजर आने वाले हैं ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज बेकाबू सीजन 2 में, जिसमें वो निभा रहे हैं नोवीन का किरदार। तो चलिए सीधा चलते हैं ताहा शाह के पास, बिताते हैं उनके साथ एक पूरा दिन और जानते हैं उनकी खूबियाँ, उनके टैलेंट्स, और करते हैं उनकी लाइफ में ताका झाकी। हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। तो ये जो दीवारें, मैंने सोचा था कि कभी कभी हम लोग कोई इंटरव्यू या कुछ ऐसा होगा, तो इसलिए मैंने ये बहुत ढूंढ के मैंने ये निकाला है, पर ये हमें मलाड में मिला था। तो ये वहाँ से है, ये सब सोफ़ा तो मम्मी की चॉइस है। 3 साल पहले मैंने सोचा ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ सिंगिंग के बारे में, तो ये ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन, ये बैंड्रा में है, ट्राई कर लेते हैं। तो ये दिया, पास हो गया, Grade 4 पास, Grade 8 तक है, तो इंशाल्लाह ये साल मैं Grade 5 करूँगा। तो ये एक फिल्म थी हमारी जो बरखा, तो उसकी रिलीज़ हुई थी ये दिन, पता नहीं 2015 या 16 का है। तो उस वक्त मामा दुबई से आई, मामा एक्चुअली यहाँ पे रहती नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, पर कोरोना में यहाँ पे फंस गई, तो इसलिए अभी यहाँ पर है मेरे साथ। पर इस टाइम पे हमें विजिट करके, फिर ये तो मैं मामाज़ बॉय हूँ, तो ये तो मैं करता ही रहता, ये तो मैं हूँ, ये मम्मी और ये मेरे बड़े भाई, इनका नाम है आबिद, ये दुबई में रहते हैं, इनकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा है अयान जो बहुत ही शरारती है, मेरे जैसा है, तो आई लव हिम। और बस ये हमने दुबई में क्लिक किया। हुआ ये कि मैं पहले जिम जाता था, उसके बाद मैं जिम से मैं बोर हो गया, क्योंकि जिम बहुत, मैं बोर हो गया था पहले क्योंकि मेरे को साइज़ पुट ऑन नहीं करना था, मुझे बिल्कुल लीन होना था। तो मैंने बोला कि भाई मैं जिम जाके मैं क्या करूँ, घर पे मैं सेटअप करता हूँ, जब मैं उठता हूँ तो कहीं नहीं जाना पड़ता, करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको अपना सामान दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं पसंद करता हूँ कि जैसे मैं उठूँ ना, मैं कुछ ट्रेनिंग करूँ, तो ये मैंने एक्चुअली डांस क्लास के लिए लगाया था, और मैं यहाँ पे पिछले 6 साल जब मैंने डांस शुरू किया था ना, मैंने ये घर में शुरू किया था, वहाँ पे उस टाइम पे मेरा इतना पतला सा मिरर था, और दो लोग विक्रम भाई और मैं डांस कर रहे थे, तो हम ये कर रहे थे, तो फिर ना उसका हाथ दिख रहा था ना मेरा हाथ दिख रहा था, तो ऐसे एंगल पर डांस कर रहे थे हम लोग, चलो ठीक है ये डांस करते हैं। उसके बाद मैंने सोचा जेम्स भाई आ गए, तो मैंने बोला कि थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि फिर बार बार आपको स्टूडियो जाना पड़ता है, तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है। तो ये मैं डांस के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और जब ट्रेनिंग नहीं कर पाता तो ये अपने आप को मैं घूरता रहता हूँ। फाइनली यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये जो है, ये हमारे पुलअप बार्स हैं, तो यहाँ पे पुलअप्स करने के लिए, जब भी मैंने सोचा कि जब भी हम रूम से बाहर आए तो कुछ होना चाहिए हैंगिंग करने के लिए, वरना फिर हम हैंगिंग कब करेंगे, तो मैंने बोला ये लगा देते हैं। ये अभी 4 साल हो गया अभी इस पे, और यहाँ पे हम माउंटेन क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं, पुलअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक क्या बोलते हैं, एक दो रिंग्स थे, तो वो रिंग्स हमने पैकअप कर दिए अच्छे दिखने के लिए, पर यहाँ पर रिंग्स भी अटैच करते हैं, और ये एक्चुअली पेपर इसलिए लगाया कि यहाँ पे ग्रिप मिले। प्लीज़ ये मेरा कमरा है, आप आ जाइए देख लीजिए। ये हमारे पास अभी कुछ, पहले 7 साल से था, 6 साल तक मैंने उठाया नहीं, और अभी मैंने उठा लिया,
और अभी मैं काफ़ी गाने भी बजा लेता हूँ, पर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये। आ जाओ भाई, मैं आपको अपने किताबें दिखाता हूँ। एक्चुअली हमने रूम अभी रिफर्बिश किया है, ये दीवार भी हमने पर्पल जैसा लैवेंडर कलर, लैवेंडर बहुत काम है, बहुत कूल है, तो इसलिए हमने ये दीवार, और ऑडिशंस के लिए बहुत काम आते हैं प्लेन दीवार। और ये है मेरे किताबें, वो भी हैं किताबें। जब भी मैं ट्रैवल करता ना, मैं एयरपोर्ट से, अगर मैं यहाँ से दुबई जाऊँगा, यहाँ से बैंगलोर, कहीं पर भी, हर किताब, एक एक किताब या दो किताब मैं हर ट्रैवल में मैं ले लेता हूँ वहाँ से, एयरपोर्ट से, और वो मेरे कलेक्शन में चले जाते हैं। और पर मुझे पहले पढ़ने का शौक़ नहीं था भाई। हाँ, मैं स्कूल में, मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स में था। आप मेरी मम्मी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि ये मैं ना, मैं गिन के पढ़ता था। बोले भाई, मम्मी कितने कितने लाइन्स पढ़ने हैं? 10 लाइन, ठीक है 10 लाइन पढ़ लेता हूँ। यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, फिज़िक्स हो, मैथ्स हो, 10 लाइन पढ़ के मैं छोड़ देता था। जब मैं एक्टिंग में घुसा तब मुझे पढ़ने का शौक़ इतना लग गया, क्योंकि मेरे पास एक गुरु होते थे, उनका नाम है डॉक्टर अभिजीत दास। और डॉक्टर दास ने हमें बताया कि इट डजेंट मैटर व्हाट यू डू बिटवीन 9 and 5, इट मैटर्स व्हाट यू डू बिटवीन 5 and 9, वो आपको बनाता है। सो दैट वॉज वेरी डीप। और उनको पढ़ने का बहुत शौक था, उन्होंने हमें एक्टिंग भी सिखाई, वो मैजिशियन भी है, यानी बहुत चीज़ें हैं वो, ही कमाल के आदमी हैं। तो उन्होंने कहा पढ़ने के लिए, तो मैंने तब से 8-9 साल हो गए, 9 साल हो गए, अभी 10 साल हो गए, और ये मेरे, इससे बहुत ज़्यादा किताबें हैं, वो सब अंदर पैक्ड हैं। और मैं आधा तो मैं उधर US लेकर चला गया, वहाँ पर मैंने रखा है। तो ये मेरे सारे एक्टिंग की किताबें हैं, ये भी एक्टिंग, ये सब मेरे सबसे एक्चुअली मैं ना, मेरे ऑडिबल भी है, मेरा एक ऐप, और उसमें ना आपको एक किताब हमेशा, एक महीने में एक किताब आपको फ्री मिलता है। तो मैं तो आपको रेकमेंड करता हूँ कि भाई ऑडिबल डाउनलोड करो, किताबें सुनो, और बहुत ही अच्छा ऐप ये। मुझे खिलौने का बहुत शौक है, तो एक्चुअली यहाँ पर भी एक था, मेरे एक दोस्त यहाँ पर भी है, ये भी एक दोस्त है, और फिर हमारा ये भी एक दोस्त है, रैम्बो फ्लैश था, मैंने अपने भांजे को दे दिया। पर मुझे खिलौने का बहुत शौक है, अगर मौका होता अपने ऑफिस में एक दिन, मैं इसको भर भर के रखता। मुझे पसंद है भाई। ये भी है, ये तो मेरा सबसे फेवरेट है, ग्रूट। ये तो सिर्फ कलेक्शन के लिए भाई, सिर्फ कलेक्शन, देखने के लिए, खुला ही नहीं, वरना टूट जाएगा, इसलिए मैंने रखा है अभी तक। नहीं, मुझे 300 का बहुत शौक है। एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए, मेरा एक था, एक बोर्ड ऐसा रखूं जिनको भी मैं फॉलो करता हूं, जैसे हो गया माइकल जॉर्डन हो गया, या तो ड्वेन जॉनसन हो गया, विल स्मिथ हो गया, शाहरुख खान हो गया, बच्चन साहब हो गए, महात्मा गांधी, यानी जो आप देख कर आप बोलते हो कि भाई मुझे इनके जैसा बनना है। तो मैं गया था न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में, और न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी हमारी एक टीचर थी नादिया मैम, और मेरे क्लास में मैं था और 3 लड़कियां थी, कमाल की लाइफ है। पर हुआ ये कि उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है वो देखो, और मैंने देखा नहीं। उन्होंने कहा कि आपको देखना चाहिए क्योंकि पता चलेगा। उन्होंने फिर मुझे एक रूम में बंद किया, 3-4 घंटे वो बाहर गई शूट करने के लिए, मैं अंदर ही बैठा था, 3.5 आवर्स की फिल्म थी। और ये फिल्म देखने के बाद मुझे समझ आया कि एक्टिंग क्या होती है, और इस ये फिल्म ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो वो 10 साल पहले की बात है, पर ये उसकी कहानी है। ये हारमोनियम है यहाँ पे, इस पे मैं अपना गाने का प्रैक्टिस करता हूँ, रियाज करता हूँ जब भी टाइम मिलता है, वरना मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पतली थी और आप लोगों को पसंद नहीं आती। सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको
ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं तेरी कसम। ख्वाबों में भी बचता फिरा नाजनीनों से मैं, तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर, क्या करूं वो बेखबर। जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ये एक्चुअली 18 या 19 साल का था तब मुझे ये पहला शूट मिला था 18 साल में। मुझे अब भी याद है कि ये एक कमर्शियल था वहाँ पे, तो हमने वो शूट किया था। एक दिन का शूट था, पर उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं था वन डे का शूट क्या होता है। वहाँ पे जाके हमें बोर्ड पकड़ना होता था, प्रोफाइल दिखाना पड़ता था, मेरे को कुछ आता नहीं था। पर मेरी शुरुआत थे अभी 10 साल हो गए 11 साल हो गए। 3 साल जब मैं 18 से 20 या 21 साल का था तो मैंने बिजनेस किया था। तो मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया था, रियल इस्टेट, दुबई में रियल इस्टेट किया मैंने। और उसके बाद फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्टील एंड सीमेंट भी किया मैंने 1 साल। उसके बाद फिर बस मैं थक गया, मैं बोला भाई ये नहीं कर सकता मैं, मुझे एक्टिंग का शौक है। मुझे एक्टिंग के बारे में पता नहीं था, मेरे को मॉडलिंग का शौक था। तो मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग सीखना है। जब मैंने सीखना शुरू किया तब मुझे पता चला कि आई एम पैशनेट टूवर्ड्स एक्टिंग, और इसके लिए मुझे पढ़ना है, इसके लिए इतने सारे किताब हैं, वरना कभी नहीं होते। ये फातिमा आंटी हैं, ये हमारे लिए खाना पकाती हैं, और ये कुलदीप भाई हैं, ये हमारे मैन फ्राइडे हैं। जो भी मुझे चाहिए, कुलदीप ओके। तो भाई सुबह जो है मैं एक शेक बनाता हूँ। ये तो मिक्स्ड है, ये अभी तो इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें केला है, इसमें कीवी है, इसमें बीटरूट है, इसमें आंवला है, इसमें टमाटर है, इसमें वाटरमेलन है, ऑरेंज है, गुड़ है। तो इसका सारा मिक्स जो है वो इसमें डाल देता हूँ मैं। और अभी मैं बनाने वाला हूँ, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा। ओए कुछ गिर गया। हाँ, इस पर ग्रेप्स भी हैं इस पर। और इसके बाद मैं फिर इसमें एक नारियल पानी डालते हैं। नारियल पानी इसमें डालने के बाद फिर इसको मिक्स कर देते हैं। इसका फिर एक सब्जी जूस ऐसा बन जाता है। हम सिट्रस इसे डालते हैं क्योंकि थोड़ा टेस्ट आ जाता है उससे, और वरना बाकी सब ज़्यादातर फ्रूट्स हैं, ये ग्रेप्स हैं। सुबह सुबह जब मैं खाली पेट पे वर्कआउट करता हूँ तो उसके बाद ऐसा एक शेक बनाता हूँ जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जिसमें कोको पाउडर होता है, जिसमें प्रोटीन होता है, जिसमें ओट्स होते हैं, जिसमें नट्स होता है। तो ये कोई बैड फैट नहीं है इसमें, कोई जो आपके बॉडी के ऊपर जो चिपकता है वो सब फैट नहीं है।
वेरी प्लेन, बहुत हेल्थी, बहुत ऑर्गेनिक, और ये आपको वेट घटाने में भी हेल्प करता है, ये आपको ताकत भी देता है. इसमें इसमें जो नट्स हैं, जो इसमें फ्लैक्सीड भी है, ओमेगा है, बाकी ऐसे 3-4 डब्बे नट्स हम डालते हैं, हम आलमंड डालते हैं, वॉलनट डालते हैं, कैशूज डालते हैं, ब्राज़ील नट्स डालते हैं, और उसके ऊपर हम ये एक आलमंड मिल्क भी डालते हैं इसके अंदर. तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही हेल्थी है. आलमंड मिल्क डेयरी नहीं है तो हमने डेयरी को भी निकाल दिया है. ये सब गुड कार्ब्स हैं. कार्ब्स के साथ हमने प्रोटीन भी मिक्स कर दिया है. कार्ब्स के साथ हमने फिर ये इसमें बीट रूट है, टमाटर है, फाइबर भी मिक्स कर दिया. तो आपका प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, ये सब आपके जो दिन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको दिन में एटलीस्ट 5 अलग अलग सब्जी या फ्रूट्स खाने चाहिए. तो ये सब कंप्लीट हो जाता है. ये आपके लिए बहुत ही हेल्थी है और आपको मेरी जैसी बॉडी बनेगी. मैं तो हमेशा खाने से पहले एक ऐसा एक लाल शरबत जैसा जूस में पी लेता हूँ तो अपना फाइबर का कोटा ख़त्म हो जाता है. तो इसका नाम लूना है. ये एक्चुअली एक थोड़े डॉगी ने इसको काट के इसको इधर गटर में फेंक दिया था जब छोटी थी. मामा को बिल्ली और कुत्ते को बहुत शौक है. वो एक्चुअली हर रात को कुछ कितने 100-150 कुत्तों को खाना देती हैं वो हर रात. जब से कोरोना हुआ है तब से वो 150-200 कुत्तों को वो खाना देती है और बिल्लियों को भी. और ये हमारे घर में आ गई. पहले मुझसे तो छुपाया था 4 दिन. उसके बाद मैंने देखा ये क्या है. तो बोला म्याऊं म्याऊं. फिर मैंने बोला फिर उसके बाद ये अभी थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक हो गई. ये एक्चुअली मैं ये कल ही लेकर आया था इसके लिए. ये लिटिल माउसी, टॉम एंड जेरी वाला. देयर वी गो, देयर वी गो, देयर वी गो. तो ये हाँ, ये मामा इसके बिना नहीं रह सकती. मामा इससे बहुत प्यार करती है, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है. ये हम एक्चुअली मेरे पास ना पहले एक खरगोश होता था. उसका नाम था उसकी ना उसका इन लड़की थी वो तो उसका नाम पारो था. पारो तो हमने ऐसे ही नाम का एक्चुअली मैंने ना वो उसको लिया था एक ऑडिशन के लिए. ऑडिशन से लाने के बाद मुझे मेरा दिल नहीं कहा कि उसको वापस दे दे. मैं बोला रख दो. तो रख दिया हमने. तो मेरे अंकल चले गए थे जो आपको मेरा आपने कहा था. तो उन्होंने पारो को कहीं बीजापुर में जाकर कहीं खरगोश के फार्म में छोड़ दिया. मैं बोला सही है, अभी ये हमारे नई पेट. मुझे एक्चुअली अभी याद है जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था 2010 में. तो बारिश हो रही थी. मैं किशोर अमित कपूर मैंने ज्वाइन किया एक्टिंग के लिए, यानी सीखने के लिए. तो मैं 5 महीने वहीं पर था. मैं अपने घर से जो लोखंडवाला में था, लोखंडवाला से माड़ा, माड़ा से लोखंडवाला, बस मुझे बॉम्बे के बारे में और कुछ नहीं पता था. उसके बाद हुआ ये कि हम वहाँ से निकले और फिर उन्होंने कहा कि आपको ऑडिशन्स देने पड़ेंगे. मेरे को पता ही नहीं ऑडिशन्स कहाँ दें, कोई बता ही नहीं रहा था कहाँ पे दे ऑडिशन्स. तो फिर एक जब मैं वहाँ पे गया था, किशोर अमित कपूर लास्ट डे था, तो उन्होंने कहा कि ये आपको पता है इधर अंधेरी लोखंडवाला के पीछे होता है. बोला भाई लोखंडवाला के पीछे तो बहुत बड़ा है, भाई कहाँ पर होता है. तो फिर मैं 2 हफ्ते के लिए हर दिन 12 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम तक मैं एक एक बिल्डिंग में जाता था. और वहाँ पर ना रजिस्टर होता है, आपको लिखना पड़ता है. तो रजिस्टर में ना जब भी मैं किसी बिल्डिंग में मैं ऑडिशन दिखता था, बोला भाई इधर जाने गए, ठीक है ना. तो मैं चेक करके फाइनली मुझे श्रीजी मिला. श्रीजी मिलने के बाद 2 हफ्ते बाद फिर वहाँ पर 8 ऑडिशन्स थे. मैं बोला भाई ये तो जैकपॉट लग गया मेरा. तो मैं हर दिन फिर सिर्फ श्रीजी जाता था. श्रीजी गया. वहाँ से फिर मुझे एक दोस्त मिला, ऋत्विक धनंजय, जो टीवी पे बहुत बड़ा है आज. तो ऋत्विक मेरा भाई था, हमारे साथ में हम पढ़ाई कर रहे थे किशोर में, किशोर नमित कपूर में. तो वो मुझे लेकर गया आराम नगर.
और उसने कहा भाई आराम नगर में भी ऑडिशन होते हैं, वो दूसरा जैकपॉट लग गया मेरा। फिर बोला चलो ठीक है। तो फिर मैं 4 महीने के लिए मैंने सिर्फ ऑडिशंस किए, दिन में कुछ 7-8, बहुत सारे कॉन भी हैं भाई, मैं बहुत कॉन हो चुका हूँ। मैं एक बार तो मैंने 5,000 दिए, एक बार मैंने 7,000 दिए, पैसे लेके वो लोग भाग गए। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर शानू शर्मा ने मुझे एक बार कॉल किया था, और हुआ ये कि मैं आशुतोष गोवारिकर की वो एक बुद्धा वाली फिल्म बना रहे थे, तो उस टाइम पे मैं उन्होंने कहा कि अपने ऑडिशन खुद शूट करके आप भेजो। तो मैंने बनाया, हम बोरीवली गए, मैंने अपने अंकल से भी एक्टिंग कराया, अपने जो दो दोस्त हैं जो दुबई से हैं उनको भी एक्टिंग कराया, और एक एक लड़की थी उसको भी मैं लेकर आया, जो एक ऑडिशन मिली थी तो मेरी दोस्त थी, तो मैंने उनको बोला प्लीज़ हेल्प कर दो, तो वो आई। तो मैं बना गौतम बुद्ध, और वो बाकी के बने दूसरे राजाओं, और वो उससे शादी करनी थी, तो वो हमने ऑडिशन शूट किया। मैंने उस शानू को दिखाया, शानू हंस हंस के पागल, मैंने बोला बहुत सही बनाया पर दिखाना मत किसी को। मैंने बोला क्योंकि हमने कॉस्ट्यूम भी पहने थे, इतने इतने बड़े बाल थे हमारे, मैंने बोला ऐसा किसी को मत दिखाओ। बोला अच्छा नहीं दिखाता। पर उन्होंने फिर बोला कि मैं तुझे बुलाती हूँ वापस। तो एक डेढ़ दो महीने के बाद उन्होंने मुझे वापस बुलाया, और उन्होंने कहा कि ये यशराज की एक फ़िल्म है, वहाँ पे आज जो भी आप देखोगे, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे या फिल्मों पे, कुछ 7 या 9 लोग थे वहाँ पे, मैं उनमें से एक था। तो हम सबको उसी चीज़ के लिए ऑडिशन करना था। हाँ, हमारे साकिब भाई भी थे, साहिल श्रॉफ भी था, बहुत सारे लोग थे। तो 9 दिन बाद मैंने ऑडिशन किया, और फिर उसमें ऑफकोर्स मैं बहुत ही बेकाबू था कि भाई ये क्या होने वाला है, जवाब क्या आएगा, पर मैंने मेहनत बहुत की। और 6 दिन बाद फिर यशराज से कॉल आया कि हमें आपका ऑडिशन बहुत पसंद आया, आप आ जाओ और साइन कर दो। मैंने बोला भाई ये क्या है, जो के मजाक कर रहे, पर नहीं। फिर शानू का कॉल आया, उन्होंने बोला आ जाओ, तो वैसे ही मिली मुझे पहली फिल्म, और उसके बाद बस हिस्ट्री। बेकाबू सीज़न 2 जो है वो सीज़न 1 से बिल्कुल अलग है। इसमें एक मर्डर मिस्ट्री है, इसको ये हमेशा आपको यानी जब मैं एक्चुअली डबिंग कर रहा था तो मैं देख रहा था पूरे एपिसोड, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप हमेशा ऐसे लाइक क्या हो, ये कौन कर रहा है या क्या हो रहा है, ये ऐसा इसने अगर ये करती है ये करता तो फिर, तो आप हमेशा आप अपने आप से आप सवाल पूछते रहोगे। तो आई थिंक ये इस सीरीज़ की बहुत ख़ास बात है। ये आपको क्या बोलते हैं, आपको सोचने में मजबूर कर देगा। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं ना वो बहुत ही ग्रे शेड्स के हैं, ऐसा नहीं है कि एक बंदा सिर्फ बुरा है या एक 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 लड़की सिर्फ अच्छी है, सब के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव शेड्स भी हैं। और आपको एंड में पता चलेगा कि एक्चुअली मर्डर किसने किया है, अगर मैंने बता दिया तो आपको मज़ा थोड़ी आएगा और बेकाबू हो जाइए। पहले तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे वेब सीरीज़ आज बड़े और बड़े और बड़े हो रहे हैं, तो इनमें से एक ये है जो एक फ़िल्म की तरह शूट की गई है। और उसके अलावा जो इंट्रीगिंग फैक्टर है छोटी सी है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का एक एक एपिसोड, ऐसा कुछ नहीं है, 20-25 मिनट का एक एपिसोड है, क्विक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने आप सोचोगे कि अच्छा शुरू हुआ है ख़त्म हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा, तो ऑलवेज कीप यू ऑन दी एज, और ये एक ख़ास बात है। ये बेकाबू सीज़न 2 जो है वो सीज़न 1 से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल यानी 10 कदम आगे है, अलग कहानी है, अलग कैरेक्टर्स हैं, न्यू कैरेक्टर्स हैं, और सीज़न 2 सीज़न 1 से बिल्कुल अलग है।
फिटनेस फ्रीक भी, और हाँ ये है एक्रोबेटिक्स के चैंपियन। थैंक यू आज तक सास बहू और बेटियाँ, आज आप हमारे घर आए, आपने मुझे गाते हुए सुना, आप लूना से मिले, मैंने आपको अपना खाना दिखाया जो मैं दिन में 3 बार पीता हूँ, तो वो आपने देखा। प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू कैच बेकाबू सीजन 2 स्ट्रीमिंग 15th of March ऑन ऑल्ट। थैंक यू अगेन। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।